सुहाना मौसम, साफ आसमान, दर्शकों में उत्साह और स्टेडियम में जबरदस्त तैयारियां। जी हां, ये मौका था त्रिलोकीनाथ मेमोरियल गर्ल्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच का, जहां खिलाड़ियों के जज्बे के आगे कोरोना की चुनौतियां भी दिखी बौनी। TNM एकेडमी की पुख्ता तैयारियों के बीच संपन्न हुआ ये त्रिलोकीनाथ मेमोरियल टूर्नामेंट का दूसरा संस्करण था, जिस पर शारदा स्पोर्ट्स ने CPS अकादमी को 44 रन से हराकर कब्जा किया। टूर्नामेंट में देश भर से 16 टीमों ने हिस्सा लिया। चार ग्रुप में बटी सभी 16 टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। शानदार प्रदर्शन के लिए परुणिका सिसोदिया को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज, आयुषी गोयल को प्लेयर ऑफ द सीरीज और नजमा को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज घोषित किया गया। बेसिकली मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, मैं आज सच कोई माइंडसेट करके नहीं आई थी। मेरे को ये था कि ठीक है, मेरे को मैचेस खेलने जाने हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद काफ़ी एक लंबा गैप पीरियड हो गया था, तो रिदम भी नहीं था, फ्लो भी नहीं था, बट समहाउ आई मैनेज। प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई थी, 2.5 महीने हो गए थे प्रैक्टिस करते हुए मुझे। काफ़ी कॉम्पिटिटिव था पूरा ही टूर्नामेंट। ओवरऑल सारी टीम्स बहुत अच्छी थी, बट हाँ थोड़ा बैट्समैन डिफिकल्ट था रीड करना कि कैसे खेल रहे हैं, उनकी क्या वीकनेस है। बस इतना था कि अपना बेस्ट देना है, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा, टीम को जिताना है बस। चाहे ग्राउंड छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर प्लेयर अपनी बॉल अपनी गेम खेलेगा, सेंसिबल क्रिकेट खेलेगा, तो वो कहीं पर भी रन बना सकता है। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए हरियाणा के लोकप्रिय नेता कुलदीप बिश्नोई और पूर्व टेस्ट क्रिकेटर व TNM अकादमी के मुख्य कोच अजय शर्मा मैच के दौरान मौजूद थे। उन्होंने विजेता व उप विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। एक काबिल तारीफ और बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन उन्होंने किया, और ऐसे विकट परिस्थितियों में किया जब कोविड की महामारी जबरदस्त चल रही। सभी हमारी खिलाड़ियों को भी बधाई देता हूँ, विनिंग टीम को भी, रनर्स अप टीम को भी। मेरा ये कहना है कि जो गर्ल्स की इस तरह के टूर्नामेंट हैं, वो गर्ल्स के लिए जो इस तरह के यहाँ एक्सपीरियंस लेके जाती हैं, और आगे जब ये अपने स्टेट में जाके खेलेगी, इस तरह का एक्सपोजर उनको मिलेगा, तो आगे आने वाले टाइम में अपने जब फ्यूचर में वो स्टेट या आगे जाके और बड़ी टीमों में जब रिप्रेजेंट करेगी, तो उनको इस एक्सपीरियंस का बहुत फ़ायदा होगा। ये टूर्नामेंट उनकी जो क्रिकेट की एबिलिटी है उसको एम्ब्रेस करने के लिए कराया जाता है, ताकि वो यहाँ से सीखें और इस तरह की गलतियाँ आगे जाके ना करें।